इस वक्त मैं सिक्किम के गोलीटार इलाके में मौजूद हूं और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं कैसे जो बाढ़ आने के बाद लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया, सड़कें पूरी तरीके से यहां तहस नहस हो गई। आप ये देखिए सड़कों पर कितनी ज़्यादा ये मिट्टी है और ये पूरी तरह से मिट्टी से पट चुकी है, लोगों के घरों के अंदर पूरी मिट्टी गिर चुकी है। और यहाँ पर हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। मैम, ये यहाँ पर ये आपका घर है या जैसे भी कपार शॉप है, ये मेरी है। अच्छा, आपका ही है ये। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर जो ये पीछे क्या है, पूरा खराब हो गया? हाँ जी, पूरा डैमेज हो गए, पूरा डैमेज हो गया। पार्ट से आप लोग कर रहे हैं? आज से शुरू किया है। हाँ जी, इससे पहले तक पानी भरा हुआ था? यहाँ तक पानी भरा हुआ था। अच्छा अच्छा, तो अभी ये प्रशासन की ओर से हेल्प होके कर रहे हैं? पर्सनल, प्राइवेट है, प्राइवेट है सब, मशीन से लेके लेबर सब जितना भी अपना ही है। पर्सनल कर रहे हैं? ये स्टेट यहाँ पे अथॉरिटीज मदद नहीं कर रहे? कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का थोड़ा टाइम लग रहा है, दो तीन दिन टाइम लगेगा बोल रहे हैं। तो दो तीन दिन में नहीं होगा ना, ये महीने दिन का काम है, ये तो हम लोग का कराना होगा जैसे भी करके। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, बहुत सारे लोगों के घर में घुस गया? हाँ जी, बहुत सारा, यहाँ से लेके आपको ना देख सकते हैं आगे तक पूरा डूब गए, पूरा डूब गए। इसके आगे कौन सी जगह पड़ेगी? गोलीटारी बोलते हैं, लास्ट गोलीटारी, गोलीटारी सिंगम गोलीटारी। जैसा पीछे का जो ग्राउंड है, पीछे का पूरा भरा हुआ है। और बडांग यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा दूर दूर पड़ेगा आपको, 10-15 मिनट लग जाएगा यहाँ से। 10-15 मिनट? जी हाँ जी, 15 मिनट का मान के चलिए ना। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बडांग, जहाँ पर सबसे ज्यादा पानी घुसा तिस्ता नदी का और पूरा एरिया को अपने साथ बहा ले गया। वहीं उसके आगे ये गोलीटारी एरिया पड़ता है, जहां पर आप देखिए लोगों के घरों के अंदर मिट्टी घुस गई है और मिट्टी निकलवाने के लिए कुछ लोगों ने अपने खुद से व्यवस्था भी की है, जैसे भी कि प्रशासन की ओर से भी मदद की जा रही है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों के घरों में ये पूरा हादसा हुआ है और इस तरीके से लोग इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो है खुद से भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा मिट्टी, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि लाखों टन मिट्टी जो है वो लोगों के घरों में घुसी है और अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो खुद से इसको खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरा बेसमेंट वाला एरिया है वो पूरी तरीके से मिट्टी से पट गया, इसके अलावा किसी किसी का फर्स्ट फ्लोर तक भी मिट्टी से पटा है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको गोलीटारी एरिया जो है यहाँ सिक्किम का, वहाँ की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये जो पीछे पूरा घर है, ये देखिए पूरा ये जो नीचे का जो बेसमेंट है, वहाँ देखिए बेड और टेबल्स वहाँ लगी हुई हैं, वो सब कुछ मिट्टी के अंदर दब चुका है। तो ये पूरा इलाका जो है इतना ख़राब हुआ है, लेकिन लोग जो हैं अपनी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के बाशिंदों की जो हौसले की अगर हम बात करें तो वो नज़र आता है, देखिए कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए सब यहाँ पर हाथ भी बटा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्थिति है उसको सामान्य कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, सिक्किम।